नमस्कार साथियों, आजकल भैया कुवैत की बहुत ज़्यादा अपडेट चल रही है। कुवैत एक्टिव है कि कोरोना के बहाने से कुछ परिवर्तन किया जाए, जी हाँ, लेबर लॉ में। तो ताकि जितनी और जनसंख्या का सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया कुवैत ने उठा रखा है, और भैया आने वाले टाइम पे पूरी गल्फ में भी ये मुद्दा उठ सकता है। गल्फ जाने वालों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जी हाँ, और ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज़्यादा खड़ी होंगी जो अंगूठा छाप हैं, ब्लू कॉलर हैं, उनके लिए। यानी गरीब के तो सभी दुश्मन होते हैं, शॉर्ट में ये समझ सकते हैं आप। पढ़े लिखे हो तो भैया हर कोई जॉब देने के लिए तैयार रहते हैं, मालिक हमारे यहाँ जॉब कर लीजिए, गरीबों को कौन जॉब देता है। आज अपडेट नई और निकल के आई है, कुवैत सरकार ने बड़ा अपडेट किया है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, और बता दूं भैया लगभग 85,000 लोगों की जॉब पे छुरा चल चुका है। जी हाँ, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो भैया कुवैत सरकार ने बड़ा अपडेट करते हुए जनसंख्या नियंत्रण, क्या मैंने आपको पहले बार बार बोल रहा हूँ, उनका टारगेट सिर्फ वहाँ पे लोग जो विदेशी जाके बस लगभग इंडिया वहाँ की दुनिया से ज़्यादा हो चुके हैं, उनको कम करने का टारगेट है। अभी जो संशोधन नया जो चेंज हुआ है, संशोधित हो रहा है, उनमें बता दूँ 60 साल, जी हाँ साथियों, 60 साल के ऊपर वाले लोगों को, मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, 60 साल से ऊपर वाले लोगों का वीज़ा अब नहीं लगेगा। अगर वहाँ पे जो लोग हैं वर्तमान में कुवैत में जो छुट्टी आ चुके हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो कुवैत में हैं ऑलरेडी उनको 1 साल का टाइम दिया है। जी हाँ, 1 साल का टाइम इसलिए दिया है कि भाई उनका पेंडिंग कोई भी काम हो वो निपटा लें। कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई की सैलरी पेंडिंग पड़ी होगी, कोई और कुछ काम कर रहा होगा, किसी का बोनस बाकी होगा, बहुत सारे लोगों के बिजनेस फैला रहा हो, क्योंकि उस तामझाम को समेटने के लिए कुवैत सरकार ने 1 साल का टाइम दिया है। जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए वहाँ पे, उनका वीज़ा रिन्यू नहीं करेंगे, 1 साल तक वो वहाँ पे रहो, और 1 साल की मोहर लगा दी है कि भाई 1 साल तक आप यहाँ पे रुक सकते हैं, 1 साल के बाद आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा, आपको अपने देश जाना होगा। अब उन बता दूं मैं, 83,000 से ऊपर लोग हैं, 83,532 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उनमें देख लीजिए को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जी हाँ, इनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को तो वो आज भी बोल रहे हैं कि आप रुको यहाँ पे काम करो, लेकिन अनपढ़ नहीं, वो जाओ आप। जो निरक्षर हैं, बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, साइन भी नहीं करना आता, 15,847 लोग हैं। जी हाँ, जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं, अपना नाम लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं किसी भी अक्षर को, पूरी लैंग्वेज नहीं, किसी भी अक्षर को पढ़ लेते हैं, उनकी संख्या है 24,000। जी हाँ, कुवैत में प्राथमिक शिक्षा यानी थोड़ी उच्च शिक्षा है उनकी संख्या है 10,000। जी हाँ, जो कुवैत में रह रहे हैं। इंटरमीडिएट जो उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कोई छोटा मोटा डिप्लोमा है, उनकी संख्या है 16,000 लोग। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा स्तर यानी 10वीं तक इसको आप मान सकते हैं, उनकी जनसंख्या है 16,000। जी हाँ, ये दोनों में 16,000 है, तो ये है 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इन लोगों को भाई कुवैत छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, फिलीपींस, मिस्री, कोई भी हो, सबको ये मैटर ख़त्म है। 1 साल का अल्टीमेटम दे दिया, 2021 बीच में, अभी तो 2020 चल रहा है, 5 महीने इसके पड़े हैं बाकी, 2020 इसी टाइम तक, अगस्त तक कुवैत छोड़ के घर आना पड़ेगा। तो बस ये बैड न्यूज़ है भैया, और भी जो अपडेट आएंगे हम लोगों आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।